इससे शादी करने में आया ना, इतना मजा लड़की में नहीं आया। लड़की में आता यार, देखें इनका हाल, देखें यार ये देखें सजे दजे। हेलो जी मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आपका मेजबान अहमद खान, आप देख रहे हैं इंशाल खान व्लॉग्स चैनल। तो यार जो मुझे नए देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरे डेली आप तक व्लॉग पहुंच सके। मैं डेली बनाता हूं, रोज व्लॉग बनाता हूं, वो गाँव के व्लॉग होते हैं। आज एक हैरत अंगेज हमारे गाँव में वाकया हो गया। कल आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी कि किडनेपिंग बच्चे वाली, वो बताई थी आपको, क्लिप मैंने लगाए थे। तो आज जो है ना हमारे गाँव में दो लड़के, आपको पता है कि हुकूमत हमारी ने बिल पास कर दिया, लड़की लड़की से शादी कर सकती है, लड़का लड़के से। तो यार आज हमारे गांव में ऐसा एक वाक्य हुआ कि दो लड़कों ने आपस में शादी कर ली। मैं आप हैरान हूँ कि ये क्या अजीब वाक्य हो रहे हैं। तो यार वो ना दर्श में उन्हें बिठाया हुआ है मैंने, तो अभी मैं रेडी शेडी होने लगा, तो मैं चला उनका आपको बताते हैं। आज व्लॉग होगा मेरा, इंटरव्यू उनका लूंगा, थोड़ा सा कैसे की क्यों की सब कुछ आपको बताऊंगा। मैं उधर जाके जल्दी नहाते हैं फिर निकलते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तब तक के लिए करें, हम पहुंचते हैं दर्शन नहा के। तो ले यार रेडी शेडी हो गया हूं, तो अब चलते हैं आपको बताते हैं जाके सीधा दर्शन में। वो वेट कर रहे हैं, तकरीबन टाइम 2:01 हो गए हैं, जल्दी आपको बताते हैं दर्शन में, वो वेट कर रहे हैं, अभी वो भी पहुंचे हैं और मैं भी जा रहा हूँ, जोड़ा बैठा होगा साजिदा के, चलते हैं जल्दी। यार भाई सफियान मेरे साथ आया, तो मैंने कहा यार अकेले नहीं जाना बनता, तो 2-3 दिन जने मेरे ख्याल में इधर भी मौजूद हैं। मैं फुल एक्साइटेड हूँ उन दोनों को देखने लिखे कि क्या, एक छोटी उम्र का है और 2 साल एक बड़ा है। वो आपने पहले भी वीडियो में शायद देखा हो या ना देखा हो, चलें आपको बताते हैं। क्यों सफियान भाई चलें? चलें जी, इसे बंद कर लेते हैं, कुंडी लगा देते हैं, इधर से बंद हो जा। वो देखें जी सामने बैठे हुए हैं दोनों बंदे, इंतजार कर रहे हैं, और साथ ये बैठी हुई है, ये हमारी जोड़ी बैठी हुई है, और ये हमारे कुछ दोस्त मेहमान आए हुए हैं। और सर की हाल ठीक हो जी? आपने पहले भी कहीं वीडियो में इंशाल जी के साथ देखा होगा, तो अब भी देखने इसकी शक्ल वैसी की वैसी है। की हाल है? तो भी ले चल मुंह गड्ढे का। अभी आपको वो दोनों जोड़ों से बुलाते हैं जिन्होंने आपस में शादी कर लिया है, लड़का है और ये भी लड़का, इन दोनों ने किया। और ये मौलवी साहब देखें साथ में बैठे हुए हैं, मौलवी साहब ठीक हो? ठीक हो, उठाना इसके मुंह से। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भैया आपका? बिलाल। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? बाजी। बाजी बाजी आपका नाम क्या है, रियल नाम? हबाब। हबाब इसका नाम है और इसका बिलाल है जी। कारी साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये छोटे कारी साहब है, उनके बेटे हैं ये, ऐसे इनके साथ बैठे जैसे नकाह है इसने पढ़ा। क्यों जी? इनका पर नकाह पढ़ाया है कारी हसन साहब ने। हसन साहब ने जी, तो बस ये वैसे साथ बैठे हुए हैं, तो ये बातें करते आपको बताते हैं ये क्या इनकी स्टोरी थी, क्या कुछ था। क्यों जी? बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है ना, ये ठीक है ऐसे ठीक। बिलाल साहब का भी माऊ था, आप देख ले सर। ठीक है सर। और इसका भी देख ले, चाका का ये देख ले जी। आपने शादी क्यों की, क्या हुआ, क्या मुझे सारा माजरा आपने बताना और आपने भी बताना, ठीक है? कैमरा जो है मैं सफियान को पकड़ा देता हूँ और मैं आपको सब कुछ पूछ कर बताता हूँ आपको सब कुछ। पकड़ो सफियान साहब कैमरा। ये जो सब आप माजरा देख रहे हैं ये इन्हीं के मुंह से सुने आप, ये क्या माजरा क्या नहीं। तो बिलाल साहब आपने शादी क्यों की, क्या सोचा और सब कुछ बताया हमारी नाज़रीन को, वो देख रहे हैं सामने आप। जी गंजिया ने कानून पास किया जी। जी पास आ जाए थोड़ा सा, औरता ना ब्याह करा जी, मर्द मर्द ना। तो आपके साथ ये कोई कारोबार करता था या क्या मोहब्बत ही से थी या क्या? कारोबार करता था। हाँ जी, मैं तो करवाने घर से आ रहे थे, तो आपने खबर सुनी कि ये काम हो गया, तो आपने भी शादी कर ली। वाह जी वाह, कितने दिन हो गया आपके शादी को आज? तो चलो मैंने कहा था ना कि साजिदा आज कर आना, तो कितने दिन हो गया आपको शादी? शादी कब हुई है, कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए। 2 दिन हुए हैं, सब कुछ निकाह वगैरह सब कुछ हुआ है? सब कुछ हुआ। तो आपको मोहब्बत थी इससे या क्या माजरा था, ये भी बता देना। मोहब्बत थी एक लड़के से। कॉमन स्टोरी से बयान भाई, यार नजदीक थोड़ा सा सारी स्टोरी बताएं आप। सीधी गल है जी, सानू कहने कुड़ी नहीं देनी ना लंगड़ी ना रूली। अच्छा जी, अहीं आपस ब्याह करा लांगे, लड़ाई भी होएगी तो चलो यार दोस्ती बन जाएगी। यार हमारे मुल्क में देख ले क्या क्या चल रहा है, लड़का लड़के से शादी कर रहा है जी। बात है, मैं भी हैरान होगा कि हमारे गांव में लड़के ने लड़के से शादी कर ली, वो भी हमारी उम्र का ही, समझ लें ये भी फर्क है। और जो वो भी आपस में इन्होंने शादी कर ली, तो आप पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये इन्हें ही पता है। तो आप सुन रहे हैं इन्हीं के मुंह से जो जो ये बता रहे हैं, बस सुने गौर करें कि सच बात है झूठ नहीं है। अब
लड़की किसी से शादी नहीं करनी आपने? नहीं 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 करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। चाहे किसी से लोगे या क्या करोगे? लड़के का लड़के तो बच्चे नहीं हो सकते, बच्चे क्या करने हैं, क्या करने हैं, बस मोहब्बत ही उससे। बकरियों के प्यारे बकरियों के बच्चे ले आऊंगा। बहुत खूबसूरत है ये पश्तो, ये एक साहब का, ये मैं देख रहा हूँ कैमरा पास कर रहा हूँ, क्या करो मैं काला। ये आगे शादी भी नहीं किसी लड़की से कराई, नहीं आपने होने नहीं देनी इसकी शादी, ठीक है आपसे कराई है। तो लड़की आप हो या ये है लड़की? दोनों लड़की, तो लड़के भी दोनों वाड़ी वाड़ी ना, तो एक दिन मैं लड़की। वाह यार, एक दिन ये लड़की और एक दिन वो। हमें टाइम दिया और ये छोटा सा ये गिफ्ट कर रहे हैं, हम इन्हें छोटा सा तोहफा, ये हमारी सर तो इनकी मेहरबानी है, इन्होंने टाइम दिया सजदा के इधर आए, नहीं तो शर्म की मारी कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं किसी को बताता, ठीक है। ये माशाल्लाह सोना है, सुंदर है, इन्हें तो किसी ने लंगड़ी भी नहीं देनी, महा चलो पठानी सही है, पठान गुजर, देखो चेक करो सोना बच्चा, सोना बच्चा यार। बस इन्हें इंटरव्यू लिया सर, आप आम दसना मुड़ा मुड़े अमल करने भी खोती है। वेल डन काज साहब, ये बात कर सकते अच्छी की है, पर ये इन्हें भी गाली लग गई एक साहब की, जो हमारे हुकूमत वाले कानून पास करवा दिया, पर ये नहीं होना चाहिए, हम मुसलमान है, ये देखे हमारे वगैरह, ये किस लिए यार करना नहीं चाहिए। इन्होंने दोनों ने भी शादी कर ली, आपस में प्यार किया, पता नहीं क्यों किया, क्या मतलब जिंदगी बस आप दोनों की अब गुजरेगी। तो काम क्या करते हो फिलहाल आप भाई बिलाल भाई? यही बकरियां में, बकरियों का तो वो आपके साथ पार्टनरशिप करता था, तो आपने सोचा यार फायदा उठाया जाए इस मौके का, तो शादी कर ले, यही हुआ सीन। तो ये कितने का लिया कुल्ला वगैरह ऊपर? 10,000 का बकरियां, 10,000 का बकरियां, 10,000 का। ये कितने की आपने ली थी? 5,000, 5,500 की ली थी। तो ये एक दिन आप ले लेते हो ऊपर, एक दिन दूसरे दिन आप ले लेती हो या ले लेते हो? ले लेते हो, तो दूसरे दिन आपने ये सारा सामान उसे दे देना, और ये उसे दे देना, फिर हांडी रोटी में। अच्छा, यही सिलसिला आपने चलाना है पूरी जिंदगी? हाँ जी। आप हैरान हो रहे होंगे ये सीरियस वाकया, सीरियस है। तो बस यार अल्लाह माफ करे, तो आप जी मेरा व्लॉग आज नहीं है, आज समझ ले आपको एक इन्फॉर्मेशन अपने गांव की दी है, तो बस अल्लाह पाक हमें माफ करे, हमने बस आपको ये वीडियो बनाकर बताई है, बाकी ये गलत काम है सारा सारा, इनके सामने हम कह रहे हैं गलत है कि नहीं? गलत है। मक्खी क्यों हुई? गंजे गोड्डा, गंजे गोड्डे, जे मोहब्बत है इन दोनों में, बस यार जो भी है। आज मैं डेली व्लॉगर हूँ, डेली व्लॉग मेरे आते हैं, मैंने इन्हें बैठा के रखा था, एक दो घंटा इन्हें सलील किया बेचारों को, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो अभी आया हूँ, टाइम 3:30 हो गया, तो ठीक है यार आज का व्लॉग नहीं था, एक वीडियो थी समझ लें, आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको जरा अच्छी भी लगी या बुरी लगी, जो भी लगी कमेंट में बता देना, तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दीजिए अपने अहमद खान को इजाजत, और मैं मुझको याद रखना शाहरुख खान व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करने, जो हमें फेसबुक पर दे रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर लेंगे जी, जरूर करें, तहु की करना हो सानू, और इसने उसको उतार लिया सर, ये देख लें ये इसकी शक्ल है, तो इधर देखें, इधर देख लें, तो अल्लाह हाफिज बाय। ओ यार इसका मतलब, ओए तो अब इसका मतलब आपने बस